आगरा में रोटी वाली अम्मा के नाम से फेमस 82 साल की महिला जो सभी को रोटी खिलाती थी अब खुद रोटी के लिए मोहताज हो गई है। एक सरकारी फरमान ने बुजुर्ग महिला की गुजर बसर का सहारा जो उनकी रोटी की दुकान थी उसको ही उजाड़ कर फेंक दिया। अम्मा की दुकान उजड़ जाने के बाद महिला के सामने जीवन यापन के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया। बता दें कि सेंट जोन्स रोड पर एक फुटपाथ पर रोटी बेचकर 42 साल की अम्मा जिनका नाम भगवान देवी है अपना जीवन यापन करती थी। भगवान देवी 2020 में रोटी वाली अम्मा के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वायरल होने के बाद कई लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आए थे। शासन और प्रशासन की तरफ से भी अम्मा को मदद मिली थी, लेकिन पिछले 4 महीने से अम्मा का ठिकाना उजड़ गया। रोटी वाली अम्मा अब अपना ही ठिकाना पाने के लिए लगातार नगर निगम के चक्कर काट रही है। मेट्रो का काम चलने के कारण अम्मा के ठिकाने यानी उनकी दुकान को हटा दिया गया है। 82 साल की भगवान देवी मोहन मंदिर बाग मुजफ्फर खां की रहने वाली है। अपने पति की मौत के कुछ समय बाद ही उनके बेटे ने अम्मा को घर से निकाल दिया था। घर से निकल जाने के बाद भगवान देवी ने भीख ना मांगने का इरादा किया और स्वाभिमान से जीवन जीने का इरादा किया और अम्मा ने सेंट जॉन्स कॉलेज के पास फुटपाथ पर रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह मैच 15 से 20 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाती है। रिक्शा चालक, ठेले वाले और कई लोग उनके यहाँ खाना खाने आने लगे। इसी बीच कोरोना की वजह से भगवान देवी के सामने संकट के काले बादल छा गए। तभी भगवान देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अम्मा सोशल मीडिया पर छा गई। वायरल होने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी दुकान पर आने लगे। उनकी दुकान पर लाइन लगने लगी। लोग अम्मा की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाने लगे। नगर निगम और डूडा विभाग ने पीएम स्वनिधि योजना में अम्मा का पंजीकरण करवा दिया। पंजीकरण के बाद अम्मा को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता हुई। आगरा की कई समाज सेवी संस्थाओं ने अम्मा के लिए ठेले और ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था करवाई। नगर निगम की ओर से अम्मा की दुकान का पंजीकरण भी किया गया। अम्मा को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र भी दिया गया। मिशन शक्ति का प्रमाण पत्र भी अम्मा को मिल चुका है। लेकिन 4 महीने पहले अम्मा की दुकान बंद हो गई। मेट्रो के काम की वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते अम्मा की दुकान बंद करा दी गई। इसके बाद अम्मा लगातार अधिकारियों और नगर निगम के चक्कर काट रही है। वह बेसहारा हालात में सड़कों पर लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। मामले में अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र यादव ने कहा कि अम्मा को स्ट्रीट वेंडिंग जोन योजना के तहत जगह देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रोटी वाली अम्मा भगवान देवी ने कहा कि बहुत परेशानी हो रही है। नगर निगम ने दुकान को हटवा दिया। दुकान के नाम पर 10,000 रुपए मांग रहे थे, अब मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। दुकान मिल जाएगी तो कुछ काम धंधा कर लेंगे। रोटी बनाने की जगह नहीं मिली तो कोई सूखा सामान रखकर काम शुरू करूंगी। इस उम्र में भी अपने आप स्वाभिमान से जीने की चाह जज्बा अम्मा के इस जज्बे को सलाम ठोकता है। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।